नमस्कार दोस्तों, आज आपका और एक नए वीडियो में मैं मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है एक्वेरियम फिल्टर्स। एक्वेरियम के लिए बहुत टाइप के फिल्टर्स आते हैं, स्पंज फिल्टर, हैंग ऑन फिल्टर, टॉप फिल्टर, कनेस्टर फिल्टर, ऐसे बहुत वैरायटी के फिल्टर्स आते हैं। मैं आज आपको उनमें से कुछ फिल्टर्स की जानकारी दूंगा और दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन से फिल्टर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज आते हैं कि आप एक वीडियो फ़िल्टर के ऊपर बनाइए, यानी फ़िल्टरेशन के ऊपर बनाइए, आप कौन कौन से एक्वेरियम फ़िल्टर यूज़ करते हैं, तो इसी के बारे में ये आज का वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िल्टर के बारे में जानकारी देता हूँ, यह है स्पंज फिल्टर। ये बहुत से कंपनियों का आता है और सबसे सस्ता फिल्टर है। ये 1 फीट के टैंक तक अच्छा है, यानी वर्किंग भी अच्छा करता है और इसे लगाना भी सिंपल है। आपको एक एयर ट्यूब इसे इसे लगा के इसे एयर पंप से कनेक्ट कर देना है बस, और एक्वेरियम के किसी भी एक कोने में इसको रख देना है। ये 2 काम करता है, एक तो जितनी भी गंदगी रहती है वो पूरी स्पंज को चिपक जाती है और ऑक्सीजन के लिए यहाँ से बबल्स भी निकल जाते हैं, इसलिए आपको अलग से एयर स्टोन लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये 1 फीट के टैंक तक के लिए अच्छा है। और वैसा ही एक डबल स्पंज फिल्टर आता है जो ज़्यादा करके लोग प्लांटेड एक्वेरियम में यूज़ करते हैं। इसको भी इसी स्पंज फिल्टर के तरह लगाना पड़ता है। ये पाइप को एयर पंप से कनेक्ट करके ऑन करना है और इसे कहीं पे भी ग्लास पे स्टिक कर देना है। होता क्या है, पूरी गंदगी इस स्पंज को चिपक जाती है और पानी यहाँ से और ये साइड से बाहर आता है। इसे आप चाहे जैसा छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। ये इतना एक्सटेंडेड हो सकता है, ज़्यादा करके आप इसको टैंक में जितना नीचे हो सके उतना नीचे लगाने की कोशिश कीजिए और ये पाइप को आप ऊपर कर लीजिए। तो ये था स्पंज फिल्टर। मैं आपको जितने भी फिल्टर दिखाने वाला हूँ उन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कौन सा फिल्टर क्या प्राइस में आता है। अब आते हैं हैंग ऑन फिल्टर की तरफ। मेरे पास 2 टाइप के हैंग ऑन फिल्टर है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेरे पास के 2 हैंग ऑन बैक फिल्टर। ये विनस एक्वा कंपनी के है, इसमें सनसन कंपनी के भी आते हैं और ओशन फ्री कंपनी के भी आते हैं। और ये है ओशन फ्री का सुपर हैंग ऑन फिल्टर। अब ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे है। इस फिल्टर को आपको कभी भी टैंक के बैक साइड में या किसी भी एक साइड में लगाना है। ये पूरा का पूरा यूनिट बाहर रहता है, सिर्फ पंप जो वाटर पंप है वो सिर्फ टैंक के अंदर रहता है। और ये जितने भी फिल्टर्स है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए आप सोच रहे होंगे इतने गंदे कैसे, क्योंकि इनको मैं यूज़ करता हूँ। इनके साथ ये 2 फिल्टर पैड आते हैं। इनकी खासियत है कि ऊपर फिल्टर स्पंज है और इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन है, यानी ये काफ़ी फायदेमंद है। इसे आपको सिर्फ यहाँ पे डालना है उसके बाद एक पंप आता है और एक पाइप्स आता है, इसे यहाँ पे लगाना है। और इसे आपको सिर्फ यहाँ पे अटैच करना है। ये रहेगा पूरा टैंक के बाहर और ये पंप रहेगा अंदर। यहाँ पे एक एडजस्टेबल बटन दिया हुआ है जिससे आप ये टैंक के लेवल करने के लिए काम में आएगा और इसे प्लग इन कर देना है। ये भी आपको 1 से 1.5 फीट के टैंक के लिए सफिशियंट है। जिनका टैंक 1 फीट का है उनके लिए तो मैं ये बोलूँगा ही कि वो हैंग ऑन बैक फिल्टर ही यूज़ करे, स्पंज फिल्टर से भी अच्छा काम ये करता है। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैंने ये मेरे छोटे टैंक के ऊपर यूज़ किया हुआ है।
मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने ये टैंक में कौन से टैंक के लिए मैं ये यूज़ किया हुआ है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये मेरा छोटा 10 इंच का टैंक है, इसका पानी भी क्लियर है। इसमें मैंने ये स्मॉल साइज़ का हैंग ऑन बैक फिल्टर लगाया हुआ है, इसको ज़्यादा जगह भी नहीं लगती और इसका फ्लो भी अच्छा है। पानी भी पूरा क्लियर है जैसे कि आप देख ही सकते हो, और इसमें आप देख ही सकते हो पानी पूरा क्लियर है और फिश भी काफ़ी अच्छी है। तो अभी आपने देखा ही होगा, मैंने छोटा हैंग ऑन फिल्टर मेरे 1 फीट के टैंक में यूज़ कर रहा हूँ, वाटर क्लियरिटी भी अच्छी है और सब अच्छा है। इसी तरह इसमें एक बड़ी साइज़ भी आती है जो आप 2 फीट के टैंक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हैंग ऑन बैक फिल्टर मैं मेरा जो मल्टी लेवल एक्वेरियम है उसमें यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये है मेरा मल्टी लेवल एक्वेरियम, इसका सेटअप का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने कौन सा फिल्टर यूज़ किया। मैंने हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज़ किया हुआ है, जैसे कि मेरे पास एक छोटा था जो मैंने 10 इंच के टैंक में यूज़ किया था, उसी टाइप का ये बड़ा है जो मेरे 2 फीट के टैंक में मैंने बिठाया हुआ है, और इसको मैंने बैक साइड में लगाया हुआ है। आप जैसे कि देख ही सकते हो, पंप अंदर है, बाकी का पूरा टैंक के बाहर है, और ये पानी भी अच्छा यानी एकदम अच्छी तरीके से क्लीन करता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो आपने 2 तो देख लिए, अब ये है ओशन फ्री कंपनी का हैंग ऑन फिल्टर। ये साइलेंट है, ड्यूरेबल है और मेंटेनेंस के लिए एकदम फ्री है। ये आप फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर ये दोनों एक्वेरियम में यूज कर सकते हो। मैंने अभी तक ओपन नहीं किया हुआ है, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये फ़िल्टर है कैसा, क्योंकि ये फ़िल्टर वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो इसका वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा अनबॉक्सिंग का, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़िल्टर एक्चुअली है कैसा। तो इसे रखते हैं, ज़्यादा करके सोबो कंपनी का टॉप फिल्टर यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे टॉप फिल्टर है और जो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ये जो टॉप फिल्टर है ये है सोबो कंपनी का, इसका मॉडल नंबर है WP3880F। इन सब फिल्टर्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ही, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। इसे इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है, एक स्टैंड आता है जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने टैंक के हिसाब से, और उसके बाद आपको ये फिल्टर यहाँ पे रख देना है। इसके साथ आपको पंप भी आता है जहाँ पे आप पाइप लगा के इसमें इनपुट दे सकते हो, यहाँ से ये पाइप से जहाँ पे आपका पानी आएगा, और यहाँ से ये होगा। ये डिवाइडर आता है और ये आउटपुट का पाइप है जो आपको यहाँ पे लगाना है। इसकी एक खासियत है, ये काम बहुत ही अच्छा करता है। आपको सिर्फ क्या करना है, अंदर फिल्टर स्पंज लगाना है, और इसको आप इसके अंदर आप फिल्टर मीडिया भी रख सकते हो, जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन है या क्ले मीडिया है, वो आप नीचे रखिए, उसके ऊपर आप फिल्टर स्पंज रखिए और ऑन कीजिए, यानी आपका काम आसान हो जाएगा और टैंक भी क्लीन और क्लिस्टर क्लियर रहेगा। तो ये था सोबो का टॉप फिल्टर। अब आते हैं कैनिस्टर फिल्टर के पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फिल्टर वर्क कैसे करता है। और ये है सोबो का टॉप फिल्टर जो मैंने इस टैंक में लगाया हुआ है, ये मेरा चिकलेट का टैंक है, पंप यहाँ पे लगाया हुआ है और ये पाइप से यहाँ पे।
ये देखिए, आपको पूरा दिख रहा नहीं होगा क्योंकि कैमरा के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये है सोबो का टॉप फिल्टर, जो वर्किंग में भी अच्छा है और पानी भी क्लीन अच्छा करता है। कंपनी का एक्सटर्नल फिल्टर यानी कैनिस्टर फिल्टर, ये है फिल्टर की साइज। ये ज़्यादा करके प्लांटेड एक्वेरियम के लिए बेस्ट है, क्योंकि प्लांटेड एक्वेरियम में आप टैंक के अंदर तो पंप लगा नहीं सकते, इसलिए ज़्यादा करके लोग कैनिस्टर फिल्टर का यूज़ करते हैं। क्योंकि प्लांटेड एक्वेरियम को पानी का फ्लो भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़ोर से ज़्यादा रहने की वजह से प्लांट निकल भी सकते, इसका फ्लो मेंटेन किया हुआ रहता है। इसलिए ज़्यादा करके प्लांटेड एक्वेरियम के लिए मैं आप सभी को कैनिस्टर फिल्टर को दिखाता हूँ, ये अंदर से कैसा है। ये स्टैंड है, इसमें मैंने मीडिया, स्पंज और एक स्पंज और फिल्टर पैड है, ये अंदर से पूरा ऐसा है। आप इसे यूज़ करेंगे तो सबसे पहले स्पंज डालना, तो आप जैसे इसे यूज़ करेंगे तो सबसे पहले फिल्टर स्पंज, उसके बाद और एक, उसके बाद आप डालिए मीडिया, उसके बाद और एक स्पंज, और सबसे ऊपर वापिस फिल्टर स्पंज डालिए और ये जाली लगा दीजिए। यानी एक ही इसमें सब आपका काम हो जाएगा, और ये ऊपर से लगा दीजिए। ये है इसकी मोटर जो यहाँ पे लग जाती है, और इसे आप चाहिए वो डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। और ये रिटर्न पाइप है, और जो इसका इनलेट पाइप है वो इस तरह से आता है। ये टैंक के अंदर जाएगा और ये कनेक्टर फिल्टर को यहाँ पे अटैच होगा, यानी यहाँ से पानी कनेक्टर फिल्टर में आएगा और यहाँ से रिटर्न होकर वापस टैंक में जाएगा। ये जो नोजल है ये आप घुमा सकते हो किधर भी, जहाँ आपको फ्लो चाहिए वो हिसाब से। तो मैं प्लांटेड एक्वेरियम के लिए आपको ये सजेशन दूंगा कि आप कनेक्टर फिल्टर यूज़ कीजिए। आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही कंपनी का यूज़ कीजिए, आप कौन से भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। ये तो ये थे मैंने अभी तक यूज़ किए हुए मेरे सब फिल्टर, जिनकी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना कभी भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।